साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का वकला तहरीक चलाने का ऐलान, कहते हैं कि आईनी तरामीम के नाम पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। वकला तरमीमी बिल पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई आईनी अदालत नहीं बन सकती। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज किया जाएगा। आईनी पैकेज लाने का ना माहौल है, ना वक्त है, ना इनके पास लिजिटिमेसी है। ये आईनी पैकेज हम रिजेक्ट करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन से पहले ही रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान भर के वकला, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये किसी सियासी जमात की बात नहीं है। हम वकला काला कोट, हमारी पार्टी है काला कोट। जिस तरह हमने 2007 से 2009 तक मूवमेंट चलाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, 2002 या 3 में जिस तरह से मुशर्रफ के खिलाफ हमने तहरीक चलाई, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाइयों ने कि उसी तरह हम चलाएंगे। हम किसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नहीं मानते। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दूसरी नहीं बन सकती, कोई पैरेलल कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। अगर बनाने की कोशिश की तो मैं आज कहता हूं हम वकला की लाशों पर से गुजर के जाना पड़ेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने के लिए। ये कहते हैं कि हमको 5 का पैनल बनाएंगे, हम जूनियर जज को लाके यहां बिठा देंगे, ये आपकी गलत फहमी है। हम किसी शख्स और को 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे सिवाय मंसूर अली शाह के। वकला की ताकत को अंडरएस्टिमेट ना करना। मैं ये कहता हूँ सारे पाकिस्तान के वकला को, मैं अपील करता हूँ कि लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज करो।